वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज हूँ राजस्थान के धौलपुर ज़िले में और ये रहना वाली माता का मंदिर है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हो रहना वाली माता का मंदिर, ये पुराना वाला है। यहाँ पे ही इन्होंने जो मूर्ति वगैरह निकली थी सबसे पहले 100 साल पहले करीबन यहाँ एक मूर्ति निकली थी, पिलुआ का पेड़ है उसके नीचे। तो ये यहाँ पे सारा मतलब माना जाता है मैया का भवन जो है। और अभी जो है एक 200 मीटर की दूरी पे एक नया मंदिर बना दिया है, बिल्कुल हाई डेकोरेटेड करके वो भी है। तो पहले मैं आपको इस मंदिर का दिखा देता हूँ, आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे, पीछे की साइड में पहाड़ जैसे लग रहे हैं, कुछ ऊँची नीची चट्टाने टाइप की हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले हम यहाँ से एक दुकान है, पूजा वगैरह का सामग्री मिलती है यहाँ पे, रिंकित सिंह तोमर लिखा हुआ है इनकी दुकान पे। यहाँ से पूजा की थाली वगैरह ले लेते हैं। पूजा की थाली मिल जाएगी भैया? तो ये आप मुझे दे दो, मैं आपको पेमेंट लौट के करता हूँ, ठीक है? तो हमने एक पूजा की थाली ले ली है और हम सामने जो मंदिर है वहाँ पे जाके नारियल चढ़ाने वाले हैं और सारी चीज़ें बताने वाले हैं किस तरीके से क्या है। आज संडे का दिन है, वैसे मैक्सिमम जो मैया का दिन माना जाता है यहाँ के अनुसार, यहाँ पे मैंने बात करी थी, तो सैटरडे और मंडे को यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है। सैटरडे और मंडे को ज़्यादा रश रहता है, यहाँ पे लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे हम चढ़ लेते हैं। ये यहाँ से सीढ़ियों के टाइप से दिया हुआ है और हम ऊपर आ गए। ऊपर यहाँ बहुत ज़्यादा विशाल पेड़ है, पिलुआ का पेड़ इसको बोला जाता है। कम से कम 150-200 साल पुराना तो होगा ही पेड़, जो है काफ़ी एरिया में कवर कर रखा है पेड़ ने। तो मैं अभी कैमरामैन से चाहूँगा कि ऊपर जाके थोड़ा सा दिखाएं। अभी जो मैं खड़ा हूँ ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से इधर जाके परिक्रमा दी जाती है। सबसे पहले मैया के दरबार में जो आता है वो पहले परिक्रमा करता है, भवन की पहले परिक्रमा होती है। ये इधर से जाके सीधे उधर निकल आते हैं और उधर साइड के गेट से जो है अंदर प्रवेश लेते हैं, या फिर यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। और जिस दिन भीड़ रहती है उस दिन जो है थोड़ा सा अलग ही माहौल रहता है, यहाँ का अलग ही भवन दिखता है उस दिन, अलग ही माहौल बन जाता है ऑटोमेटिक भक्ति का। इतने सारे म्यूजिक वगैरह बजते हैं, इतने सारे डेक वगैरह यहाँ पे चलते हैं, डीजे वगैरह आते हैं, बहुत अच्छा माहौल रहता है और काफ़ी ठीक है। यहाँ पीछे की साइड में कुछ हमारे हिंदू धर्म के जो आप देख पाते हो बने हुए हैं, सातिया जो बोलते हैं। ये पिलुआ का पेड़ जो पीछे तक हो रखा है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, और जबकि राजस्थान है, राजस्थान में भी इतनी हरियाली है आप देख पा रहे हो। ये यहाँ पे कभी किसी टाइम पे पहाड़ वगैरह हुआ करते थे, पहाड़ों में से ये जगह काट काट के यहाँ पे जो भी जितने भी पहाड़ वगैरह हैं वो सारे ख़त्म करके ये जगह जो है अब मतलब साबित कर दी है, प्रॉपर तरीके से जो है लेवल में आ गई हैं। ये नीचे अगर अभी भी खुदाई करी जाए तो पहाड़ों की मिट्टी वगैरह जो है निकल आएगी। तो आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से हमने ये इसकी परिक्रमा कर ली और हम अब चढ़ेंगे भवन की ओर। ये यहाँ से मैं थाली ले लेता हूँ। ये देखिए मैया के भव्य दर्शन, यहाँ पे मैया विराजमान हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है इस पिलुआ के पेड़ के नीचे, काफ़ी ठंडक है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मंदिर में आके। जैसा मंदिर में आके होता है उस तरीके से बहुत ज़्यादा अलग हटके मज़ा है, क्योंकि बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ ने ही इतना कवर कर रखा है इस जगह को, मूर्ति वगैरह को इतनी अच्छी तरीके से कवर कर रखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। अभी हम प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे तो मैं उधर से आ जाता हूँ मैया के पास में।
माँ के पास आ गए हम। सबसे पहले हम प्रसाद वगैरह चढ़ा लेते हैं। जय हो माता। ये कलावा है मैया का जो है, थोड़ा सा कलावा चढ़ाया जाता है, फिर अपने हाथों में बांधा जाता है। वो चीज हम करने वाले हैं। पतली कर लेते हैं। कौन करिए? चल गई। हे मैया, मैं आपके यहाँ शरण में आया हूँ। मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करो। और मेरा एक और चैनल है विजय भक्ति सागर, तो मैं श्रोतागण से चाहता हूँ कि उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर अच्छा लगता है तो। और बने रहिए वीडियो के साथ में, मैं आगे भी वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ की मनोकामनाएं इतनी पूरी हो रही हैं कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं, सबकी सब जिनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से कलावा और ये चढ़ा के जाते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने यहाँ का पूरा सूट कर लिया है। सारी के सारे चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई, यहाँ का कैसा वातावरण है, क्या चीज़ है और यहाँ का बाहर का माहौल कैसा है, किस तरीके से मैं सारा दिखाया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मैया के दर्शन अगर आपको प्रॉपर हुए हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।